दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होने से पहले अभी भारतीय टीम पर टूटा दुखों का पार। जैसे इस खिलाड़ी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसके बाद दोस्तों सभी प्लेयरों का फूट फूट कर रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच में यानी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। मगर दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों भारतीय टीम को 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बारी है दूसरे टेस्ट मुकाबले की, जबकि दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। मगर दोस्तों इस मुकाबले को स्टार्ट होने से पहले भारतीय टीम पर दुखों का पार टूट चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं और इनके साथ साथ केएल राहुल भी बाहर हो गए, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ी इस समय इंजर्ड हैं और इंजरी के कारण इन दोनों को बीसीसीआई ने दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आप एक तरीके से कह सकते हैं ये किसी झटके से भी कम नहीं है। बस गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या इन दोनों प्लेयरों के बिना भारतीय टीम है इंग्लैंड से इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी या फिर नहीं। जो भी राय हो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।